जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आयुष्मान भारत योजना की एनेक्सी भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिले के संबंध अस्पतालों को दिशा निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को लाभ दें तथा योजना के तहत आने वाले निजी और सरकारी अस्पतालों की समस्याएं सुने और मरीजों को भर्ती कर योजना का लाभ देने के लिए सभी हॉस्पिटल को कड़ा आदेश दिया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों से आईपीडी बढ़ाने और योजना से आच्छादित लाभार्थियों को लाभ देने के लिए कहा तथा ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉकवार योजना की समीक्षा की और खराब प्रदर्शन वाले ब्लॉक को कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि योजना के तहत एक साल में प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा है जो भर्ती होने पर मिलती है, जिसमें योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य और सी सेक्शन या उच्च जोखिम प्रसव की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य, कैंसर, टीवी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्ट बाईपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आँखों की सर्जरी, दिल की बीमारी, किडनी, लीवर, कोरोनरी बाईपास, घुटना प्रत्यारोपण, स्टेंट डालना, आंख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारी शामिल है, जिसमें लाभार्थी किसी भी संबंधित निजी और सरकारी अस्पताल, सहज जनसेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ उठा सकता है। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल सिंह, डीपीसी डॉक्टर संचिता मल, जिला ग्रीवेंस मैनेजर विनय पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ऐसी चीजों को उसमें ना डाला जाए जो भी पेशेंट और कोरोना का या हम जा के पेमेंट करें 3,000 रुपये सी टी स्कैन का दे देगा तो कुछ अच्छी रहता है। 9,000 की दवाइयाँ हो गई, दवाई हो गई, नए रेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उसका एक ट्रेनिंग हम आप लोगों को ऑनलाइन जो है 28 तारीख को जून मीटिंग करा दी जाएगी, अप्रैल से नए रेट आ रहे हैं, उसके बाद अगर कहीं कुछ चेंजेस रहेगा तो आप लोग फेस करेंगे। अगर सर कोई अगर मैंने ट्रीटमेंट से ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन अंदर जाए कि मैंने आप सूचीबद्ध कर देंगे और ऊपर देख के हल करेंगे और कोई हॉस्पिटल भाई। हाँ सर, मैं होम मेडिसिन हॉस्पिटल नवंबर 2021 में मैंने आयुष्मान लिया, यह वेरी न्यू उसको करीब 25 साल मेरा हो गया था, आपको मेरे पे लूट लेके तब जाकर मेरा काम अपडेट हुआ एंड आज की डेट में करीब 38 लाख का काम कर चुका हूँ। उसमें सब पा जाओगे आप, हैं लगभग सारे हैं, मतलब 1500 बीमारियों में मतलब मेरे ख्याल से रेयरली रेयर एक आठ डिजीजेज हैं जो छूटी हुई है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सारा कवर करने के लिए और सीजीपीएस के लिए जल्दी ही ठीक है। प्राइवेट, हाँ बताइए सर। मैं पढ़ा लेती हूँ गोविंद हड्डी महिला हॉस्पिटल। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी हमारे सरकारी स्वास्थ्य इकाइयाँ और निजी संस्थानों के साथ बैठक की गई। ये नियमित रूप से हम लोग बैठक करेंगे और करते रह रहे हैं और जितने भी हमारे क्लेम्स प्रोसेसिंग पेंडिंग हैं उसके संबंध में समीक्षा की गई और लोगों को आच्छादित करने में और सभी हमारे आम जनस को सुगमता से सेवाएं मिले इसके लिए और बेहतर व्यवस्था करने के लिए ये रणनीति बनाने के लिए बैठक थी। लगातार ये बैठकें होती रहेंगी। सर कुछ निर्देश भी जारी हुए प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, हम लोगों ने सरकारी इकाइयों को आच्छादन बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ जैसे 1500 से ज़्यादा सेवाएँ आयुष्मान में आच्छादित हैं उनको देने के लिए और उसमें जो धनराशि प्राप्त होगी आयुष्मान के तहत वो सरकारी इकाइयों में आरोग्य मित्रों की वेतन और वहाँ अवस्थापनाओं में उपकरणों में मानव संसाधन में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अच्छा अवसर है, इसके लिए निर्देशित किया और निजी इकाइयों को और बेहतर सेवाएं देने के लिए हमने अनुरोध भी किया और उनको आश्वस्त किया जो भी उनकी समस्याएँ हैं चाहे क्लेम प्रोसेसिंग के लिए हो या किसी तरह की नीतिगत मात के लिए उसको भी हम सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेके करवाएंगे।